करना चाहते हैं कोई इंटीरियर में, या फिर इशू आप रिप्लेसमेंट विदाउट करेक्शन, अगर आप इसे रिप्लेस करना इसे सेलेक्ट करेंगे एंड नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको देख सकते हैं रीजन पूछा जाएगा आप इसे क्यों यहाँ से रिप्लेस करना चाहते हैं, क्या आपका वोटर कार्ड खो गया है, डिस्ट्रॉयड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोटर आईडी कार्ड के बारे में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, अगर आप नया वाला वोटर आईडी कार्ड मंगाना चाहते हैं तो घर बैठे कैसे मंगा सकते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है फ्रेंड जो नया वोटर आईडी कार्ड आ रहा है तो पहले से पीवीसी कार्ड से तुलना में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है। मैंने फ्रेंड अप्लाई किया था तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा वोटर आईडी कार्ड आ चुका है, जिसका कार्ड आप इस प्रकार देख सकते हैं दिया जाता है। ये कार्ड आप फ्रेंड कैसे मंगा सकते हैं और इसके साथ ही साथ क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं इसमें भी आप इसके बारे में यहां से देख सकते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। साथ ही साथ फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आप ये कार्ड मंगाना चाहते हैं तो कितना टाइम लगता है इस कार्ड को मंगाने में और मेरा कार्ड कितने समय में आया है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिएगा और अपने मोबाइल फोन से आप इसे कैसे मंगा सकते हैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं। आप फ्रेंड घर बैठे अपने वोटर आईडी कार्ड को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, नया वाला वोटर आईडी कार्ड कैसे ऑर्डर करके आता है आप यहां से देख सकते हैं। मेरा इस प्रकार से पार्सल आया हुआ जो कि मैंने फ्रेंड अभी आपको खोला था देखने के लिए, तो यहां से मैंने खोला हुआ है और उसके बारे में यहाँ से जानकारी दी गई, जहाँ से ऑनलाइन पंजीकरण करें फिर अपना विवरण सत्यापित करने के लिए voterportal.eci.gov.in इसके ऑफिशियल साइट में जा सकते हैं, या फिर 1950 वोटर हेल्पलाइन हेल्प नंबर है इंस्टॉल कर सकते हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप्स को, और इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से PWD ऐप्स को, और यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ से बताया गया, जहाँ से आप देख सकते हैं। पीछे साइड फ्रेंड आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, जहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं आपके वोटर आईडी कार्ड का नंबर दिया जाएगा। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ से बताया जाता है एड्रेस के बारे में, कहाँ से आया है, क्या चीज़ें हैं, ईपी किसके द्वारा भेजा गया है, और यहाँ फ्रेंड देखेंगे तो आपके एड्रेस के बारे में बताया जाता है, जो आपका एड्रेस है यहाँ से आपके एड्रेस के बारे में यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से आपका नाम दिख जाएगा और एड्रेस क्या है और आपका मोबाइल नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसे ओपन करने के लिए फ्रेंड यहाँ से आप इस प्रकार इसे ओपन कर सकते हैं, जो कि मैंने एक बार खोल चुका हूँ, तो यहाँ से इस प्रकार आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप यहां से देखेंगे तो इसके अंदर दो तीन चीज़ें आपको फिल करनी मिलेंगी, जहां से आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा, जहां से दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। आपको एक यूजर गाइड्स देखने के लिए मिलती है, जहां से आपको ये गाइड किया जाता है कैसे कैसे आप यूज करना है, कैसे आप वोटर हेल्पलाइन ऐप्स को देख सकते हैं, मतदाता सूची आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसके अलावा फ्रेंड और यहाँ से आप कई जानकारियाँ भी देख सकते हैं इस प्रकार, और यहाँ से बताया जाएगा अपना वोट कैसे डालें, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ से इसे रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है, जहाँ इसके अंदर आपको वोटर कार्ड दिया जाता है, आपके यहाँ से सिंपली इसे ओपन करना है और इस प्रकार आप यहाँ से अपना वोटर आईडी कार्ड को देख सकते हैं। यहाँ से इलेक्शन के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है, जहाँ से अगर आप इसे रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं, और इस प्रकार फाइनली आपका वोटर आईडी कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, जो कि फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है, जहाँ से आपका नाम मिल जाएगा, आपके फादर्स के नेम, जो कि आपका नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, जेंडर रहेगी, और यहीं से आप DOB अपना देख सकते हैं, आपका एक छोटा सा फोटो आधार कार्ड के जैसे यहाँ भी रहेगा और आप एक अपना फोटो यहाँ भी देख सकते हैं, और वोटर आईडी कार्ड भी इस प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं इसके पीछे बैक साइड के बारे में बात करूँ फिर, तो आप यहाँ से बैक साइड में देख सकते हैं क्या क्या जानकारी देगी, जहाँ से आपके QR कोड दिया जाता है। QR कोड के अलावा फ्रेंड आप यहां से देख सकते हैं, जहां से आपको बताया जाता है कि आपके रजिस्ट्री के बारे में है, सिहावल कहाँ निर्वाचन रजिस्ट्री है, और ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। आप इस प्रकार वोटर आईडी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। अब वोटर आईडी कार्ड को आप कैसे ऑर्डर करेंगे, चलिए उसके बारे में यहाँ से जान लेते हैं। वोटर आईडी कार्ड को ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड आपको प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना और आपको सिंपली इसे ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, नीचे आपको एक टर्म का ऑप्शन मिलता है, आपको इसे एक्सेप्ट करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे फिर आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, आप अपनी यहाँ से लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे जिस भी लैंग्वेज में आप कम्फर्ट रहेंगे एंड गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ से नीचे आएंगे फिर तो आपको कई ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, इनमें वोटर रजिस्ट्रेशन रिजल्ट कैंडिडेट और इलेक्शन EVMI और इसके बारे में, तो आपको सिंपली वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से देख सकते हैं आपको कई ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें लैंग्वेज सेटिंग है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से डिलीट करना है, करेक्शन करना हो, इंटायर है, जिनमें आप देख सकते हैं ईपिक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, और PWD मेकिंग कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन को आपको ऑप्शन नीचे मिल जाता है। इसके बाद फिर यहीं से एक ऑप्शन मिल जाता है करेक्शन ऑफ इंटायर फॉर्म 8 का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहां से आप अगर आपके ध्यान से देखेंगे आपको 8 वाले फॉर्म पे क्लिक करना है, नीचे आएंगे तो आपको गेट स्टार्ट पे
क्लिक करना है। अब यहाँ से दो ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पहले से आपका वोटर आईडी कार्ड अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर फिर आपके पास नहीं है नो करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से आपको अपना नेम, पेरेंट्स या फिर स्पाउस नेम, आपकी एज कितनी होगी, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, असेंबली क्या है, ये सारी चीज़ें फिल करके आपको फीस डिटेल पर क्लिक करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर। मेरे केस में फिर मेरे पास नंबर है, आई हैव यहाँ वोटर आईडी नंबर पे क्लिक करके आप नेक्स्ट करेंगे, अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल के सेलेक्ट स्टेट करके फीस डिटेल पे क्लिक करना है। अब जैसे फ्रेंड आपके यहाँ से डिटेल आ जाएगी तो बोला जाएगा आपकी डिटेल जो रिकॉर्ड है उसे मैच कर लिया गया है, आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी आ जाएगी जहाँ से आपके वोटर आईडी कार्ड का नंबर, आपका नेम, फादर्स नेम, पार्ट नंबर क्या सा है और सीरियल नंबर क्या है, पोलिंग स्टेशन क्या, सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे फिर इसमें आपको क्या करेक्शन करना है वो करेक्शन आप यहां से कर सकते हैं। आधार कार्ड का नंबर लिंक करने के लिए अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहां से एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा मोबाइल नंबर आप यहां से फिल करेंगे, मोबाइल नंबर अगर रिलेटिव है तो यहां से डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी अगर रिलेटिव है तो उसे डालेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ से देख सकते हैं कई ऑप्शन मिलेंगे जिनमें देख सकते हैं आपको बोला जाएगा क्या शिफ्ट करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं कोई इंटीरियर में, या फिर इशू आप रिप्लेसमेंट विदाउट करेक्शन, अगर आप इसे रिप्लेस करना इसे सेलेक्ट करेंगे एंड नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको देख सकते हैं रीज़न पूछा जाएगा आप इसे क्यों यहाँ से रिप्लेस करना चाहते हैं, क्या आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है, डिस्ट्रॉयड हो गया है या फिर मल्टीट हो गया। तो मैं यहाँ से डिस्ट्रॉय को सेलेक्ट करता हूँ एंड इसको आपको एक्सेप्ट करना है। फिर आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर इसके बाद यहाँ से प्लेस आपको डाल देना है एंड डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं आपके बाद इस प्रकार से फॉर्मेट का रिव्यू आ जाएगा, आप इसे रिव्यू करेंगे। अब जब सारी चीज़ आप यहाँ से देख लेंगे सारी चीज़ें सही रहेंगी आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। जब फ्रेंड आप यहाँ से कंफर्म कर लेंगे फिर आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, ट्रैकिंग नंबर को आपको सर्च करने के लिए यहीं से देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है एक्सप्लोर का, आपको एक्सप्लोर पे क्लिक करना है, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे फ्रेंड आप यहाँ से एक्सप्लोर पे क्लिक करके स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आपके सामने यहाँ से स्टेटस चेक करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे, जहाँ से सर्च किया जाएगा सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर डालना है, स्टेटस सेलेक्ट करना है एंड ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो सभी की स्टेटस आप यहां से देख सकते हैं आपके स्टेटस की क्या स्थिति रहती है। इस प्रकार आप वोटर आईडी कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। यह पूरा कंप्लीट प्रोसेस फ्रेंड जो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया, आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमें कोई भी सवाल रहेगा तो हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पर क्लिक करिएगा। मैं आपके लिए जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे बदल मिलूंगा और यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी नए नए वीडियो रहते हैं जो डेली आपको इस चैनल में अपलोड होते रहते हैं उनका आपको कॉन्टेक्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक जरूर करिएगा। इंटरेस्टिंग मैं आपसे जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।